नमस्कार, आइए सुनते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है स्वयं से किया गया वादा। लेखिका डॉक्टर स्वाति तिवारी। मैं चुपचाप बालकनी के कोने में पड़ी इस कुर्सी पर सिमटी सी बैठी हूँ। जाने क्यों मन आज इतना उदास है, जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर पता नहीं कौन सी चिंता मन को मत रही है। अपने आप में उलझी मैं अपने ही अंतर्द्वंद में इतनी तल्लीन और खोई सी थी कि इनके आने का आभास तक नहीं हुआ। जाने कब आँखों के दायरे तोड़ खारे जल की कुछ बूंदे गालों पर लुढ़क पड़ी। इन्होंने घबराकर पीछे से मुझे बाहों के घेरे में लेते हुए प्रश्न दाग दिया, क्या हुआ अनु? कुछ भी नहीं, बस यूं ही मन उदास है, मैंने सहज होते हुए कहा। आज तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारियां पूर्ण होने जा रही हैं और तुम हो कि यूं आंखों में सावन भादो समेटे जाने कहां खोई हो, मैंने झट संभलते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर भी कुछ तो बात है, वरना तुम इस तरह उदास बुझी बुझी कभी नहीं रहती। इनकी पारखी आंखों ने ताड़ ही लिया था, और ताड़े भी कैसे नहीं। आखिर एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हम सहज ही एक दूसरे की परेशानी की चिंता रेखाओं को पकड़ लेते हैं। 23 साल का साथ है, चेहरा तो चेहरा, मन के हाव भाव भी शायद समझ जाते हैं। ये मुझे सहेजते हुए से बोले, अनु बोलो भाई, कुछ बताओ तो। मैंने सहज होने की पूरी कोशिश के साथ कहा, यूं ही आज रह रहकर माँ जी याद आ रही हैं। क्यों भाई, सास बनने की खबर से ही सास याद आ गई क्या? ये माँ आज क्यों याद आ रही हैं? उनसे तो जब तुम आई थी तुम्हारी पटरी लंबे समय तक नहीं जमी थी। ये मजाक के मूड में बोल गए। मेरी पटरी? वाह, आप भी ना, चिड़चिड़ाते हुए मैंने आंखों को पोंछते हुए कहा। मतलब तो एक ही हुआ ना, पटरी तुम्हारी कहो चाहे माँ की। आज पता चला मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर, सास भी कभी बहू थी वाली उक्ति का अर्थ। ये समझौते के लहजे में बोल रहे थे। चाय पीने का मन हो रहा है, आप लेंगे क्या? मैं उठने लगी। हाँ हाँ, आधा कप चल जाएगी, चाय की कब मना है? इसी बहाने थोड़ी देर तुम पास बैठोगी तो सही। क्यों, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं, कहीं दूर लंका में रहती हूँ? लगता है आज तो तुम लड़ने के मूड में हो, मेरा मतलब है अब तुम्हारी बहू। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? ये हमेशा हल्के फुल्के मूड में ही बात करते हैं। शाम का अखबार फैलाकर बैठ गए। चाय का प्याला पकड़े पकड़े मैं फिर गुमसुम हो गई। इन्होंने फिर टोका था, प्लीज अनु कुछ तो बात है, बताओ भी। सच बताने लायक कोई बात नहीं, मैं मुस्कुरा उठी। कुछ तो जरूर है, ये मृगनैनी आंखें क्या यूं ही सजल हो रही हैं? ये दुलारते हुए बोल रहे थे। इस स्नेह भरे संवाद ने मुझे और रुआसा कर डाला, पर बताने जैसी कोई बात भी कहाँ, क्या बताती कि अभिनव की पसंद मुझे नापसंद है, ठीक उसी तरह जैसे 30 साल पहले माँ जी ने मुझे नापसंद करार दिया था। तभी फोन की घंटी बजी और ये उठकर चले गए। मैंने राहत की सांस ली, चलो सच उगलने से बची, वरना ये तो मेरे अंदर के चोर को जरूर पकड़ लेते। पर यह चोर कब मेरे मन में प्रवेश कर गया मैं नहीं जानती। हाँ, जब से अंदर है दिलो दिमाग में एक खलबली सी मची हुई है, एक श्वेत युद्ध चल रहा है मेरा मेरे मन के साथ ही। आज पहली बार मुझे भी लगा कि मेरा अस्तित्व अब खतरे में है, तो क्या ऐसा ही माँ जी को भी लगा होगा जब प्रियेश ने मुझसे ब्याह करने की इच्छा माँ जी को बताई होगी। बहू का आना क्या हर सास के मन में ऐसा ही कोई अंतर्द्वंद शुरू कर देता होगा। मन की इस उठापटक को तो मैं प्रियेश के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, प्रियेश मेरे इस रूप को जाने किस तरह लेंगे। आज जीवन में दूसरी बार मुझे बदलाव के घूमते हुए चक्र ने वहीं लाकर पटक दिया है जहाँ 30 साल पहले मैं भी इसी दोहरी पर आकर खड़ी हुई थी। मेरे कदम देहरी के बाहर ही थे और मैंने ही महसूस कर लिया था कि देहरी के अंदर जमे हुए पैर मेरा मेरे आगमन का उस तरह स्वागत नहीं कर रहे जैसी मेरी अपेक्षाएं थी। बाहर मैं थी, अंदर माँ जी, जिनके हाथ में आरती की थाली जरूर थी, पर बढ़ती उम्र के झुर्राते से चेहरे पर एक तमतमाया सा मौन था और आँखों में मुझे तौलती तपती सी आभा थी। जाने क्या था उन आँखों के तेज में जो मुझे ईर्ष्या की तरह लगी थी। मैं मन ही मन कुछ कुछ डरी हुई सी थी कि जाने कैसा व्यवहार करेंगी वह मेरे साथ।
सतरंगी सपनों का हिंडोला उनके सामने आते ही रुक गया था, पर मन का कोई कोना आश्वस्त भी था कि प्रियेश मुझे पसंद करते हैं, असीम प्यार करते हैं। माँ जी करे न करे क्या फर्क पड़ता है, पर बाद में महसूस हुआ कि एक छत के नीचे हर रिश्ते की अहमियत है और रिश्ते को निभाने से बहुत फर्क पड़ता है। सुबह शाम छोड़ दो तो दिन के शेष समय को उन्हीं के साथ गुजारना होता था। ब्याह के 5 सालों तक माँ जी और मैं अलगाव के 2 किनारों पर ही थे। वह तो 5 वर्ष बाद अभिनव रूपी सेतु ने हम सास बहू को दादी और माँ बनाकर अलगाव को लगाव में ऐसा बदला था कि मरते वक्त भी माँ जी ने इनके नहीं मेरी गोद में सिर रखकर गंगा जल ग्रहण करते हुए प्राण त्यागे थे। ब्राह्मण और मैं राजस्थान की ब्राह्मण बेटी, क्या फर्क था? केवल प्रांत का, केवल भाषा का, रीति रिवाजों का और खान पान का, केवल सांस्कृति भेद ही तो था। थी तो दोनों एक ही जाति के ब्राह्मण कुलों में जन्मी थी, पर माँ जी कुछ यूं व्यवहार करती मानो अछूत कन्या उनके घर आ गई हो और वे अबड़ा भ्रष्ट हो गई हो। अलग पकाना, अलग पूजा पाठ, उनका इस तरह का व्यवहार मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देता था, एक हीनता का बोध करवाता था। तब हमेशा लगता माँ जी गलत है, पर आज लग रहा है वे गलत नहीं थी। वह उनकी उथल पुथल होती मन स्थिति का ही परिणाम रहा होगा। ऐसा ही तो मैं भी सोच रही हूँ। अभिनव की पसंद को लेकर, लड़की IIT है, अभिनव के साथ पढ़ी, उच्च शिक्षित है, पर मेरे अंदर उसकी शिक्षा अभिनव की पसंद के बावजूद कुछ ऐसा अलग सा पक रहा है जो मुझे ही द्वंद्व में डाल रहा है। मैं और माँ जी तो केवल प्रांत के अंतर से ही बटे थे, पर सुकन्या तो जाति और धर्म से भी अलग है, कैसे हम उसके साथ निभा पाएंगे? आज सुकन्या को मैं उसी अलगाव के दूसरे किनारे पर देख रही हूँ। मैं शुद्ध भारतीय परंपराओं की कायल हूँ। कायदे, मान मर्यादा, सब कुछ मेरे निर्धारित मानदंडों पर चलते हैं। बड़ों के चरण स्पर्श को दुनिया का सबसे अच्छा अभिवादन मानने वाली मेरी संस्कृति में सुकन्या का हेलो आंटी कहाँ समायोजित हो पाएगा? एक तीखी चुभन सी उठी भीतर, मन लगातार उलझता ही जा रहा है। सुकन्या को बदलना पड़ेगा स्वयं को, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बुदबुदा उठी। क्या हुआ मम्मी? अभिनय ने पीछे से आकर गले में बाहें डालते हुए मेरी गाल से गाल सटाकर प्यार करते हुए पूछा। कुछ नहीं रे, बस यूं ही, मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। नाराज हो आप? उसकी आवाज में भय की झलक थी। नहीं तो? सहज होने का मेरा प्रयास व्यर्थ गया। मम्मी, जब से आप सुकन्या से मिली हैं आप चुप हैं, उदास हैं, पसंद नहीं आई क्या? वह गंभीर लहजे में बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अभिनव के प्रश्नों से बचना चाहती थी। जानती हूँ इन दिनों वह नए जीवन के ख्वाबों की दुनिया में तैरता रहता है। मैं नहीं चाहती कि वह दुखी हो, उसका दिल टूटे, उस पर अपने कमजोर होते पुरान पंथी मन की झलक भी न पड़े। यही सोचकर उठ गई थी मैं बालकनी से, पर वह मेरे पीछे पीछे कमरे में चला आया। यू नो मम्मा, सुकन्या इज वेरी इंटेलिजेंट। आई नो वेरी वेल, मैंने मुस्कुराते हुए सहज होने की कोशिश की। शी इज वेरी स्वीट। वह वहीं मेरे पलंग पर लेट गया और शायद भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गया। उसे झपकी आ गई। मैंने चादर उड़ाकर उसके बालों में हाथ फेरा तो नजरों के सामने नन्हा सा अभिनव आ गया। यादों का छोटा सा एल्बम फिर मन में खुल बचपन रिवर्स होती फिल्म की तरह मेरे सामने खुलता गया। एक एक घटना, एक एक बात मेरे स्मृति पटल पर उभरती जा रही थी। उसके चेहरे पर नजरें गईं तो लगा जैसे वह आज भी उतना ही मासूम है। मैंने उसके माथे को चूम लिया। क्या इसकी इच्छा के लिए मैं स्वयं को नहीं बदल सकती? पर मैं ही क्यों बदलूं हर बार? पहले माँ जी के लिए, अब बहू के लिए। मैं और सुकन्या, सुकन्या और मैं और माँ जी, माँ जी और मैं। लगातार यह चक्र मेरे दिलो दिमाग पर मंडराने लगा। सैकड़ों नए सवाल पुराने संदर्भों के साथ मन में उठने लगे। दिल आक्रांत हो गया, सुकन्या के आते ही अभिनव मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे अभिनव से दूर होने का भय लगातार सताने लगा। अब तक अभिनव के जीवन में कोई स्त्री थी तो वह केवल मैं, उसकी माँ। दादी के साथ भी उसका प्यार बांटना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तब उस पराई लड़की के साथ सुकन्या के आने की कल्पना से ही मुझे बेटा अपने से दूर होता लगा। कितना सुख मिलता है मुझे उसके लिए बनाने में, उसके लिए जागने में, उसके स्वेटर, उसके कपड़े पसंद करने में।
पर धीरे धीरे यह सब सुकन्या का सुख हो जाएगा, सुकन्या की पसंद में बदल जाएगा। मैं घर की धुरी से हटकर हाशिए पर चली जाऊंगी। सिहरन सी हुई तन मन में, तो क्या अपनी स्वतंत्रता और एकाधिकार के बंटवारे का भय मुझे डरा रहा है? अपने सर्वाधिकार, अपने वजूद के घटने का डर? क्या परिवार में एक दूसरी स्त्री का प्रवेश मेरे महत्व को चुनौती नहीं दे रहा? मन में गुबार सा उठा और सारे प्रश्न धुंधले से होने लगे। पसीने से तरबतर हो गई मैं। रात सोचते सोचते ही आधी हो गई, पर नींद का नामो निशान नहीं था। कितना उत्साह था मुझ में जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आना चाहती थी। प्रियेश के साथ काम करते हुए अक्सर माँ की बात होने लगती। माँ का जिक्र माँ की कल्पना से ही रोमांचित होती थी मैं। बचपन में ही माँ खोकर अधूरी हो गई ममता की छांव को बाबा ने पूरा करने की लाख कोशिश की थी, पर फिर भी प्यार स्नेह और आशीर्वाद की रिक्तता को सदा महसूस किया था मैंने। प्रियेश से माँ के बारे में सुन सुनकर एक सुंदर कल्पना ने जन्म लिया था मेरे मन में, जहाँ सास बहू नहीं माँ बेटी हुआ करती थी। पर क्या फिर अपनी बहू को बेटी बनाऊंगी? यह वादा मैंने अपने आप से ही किया था। फिर अब क्यों मैं परेशान हूँ? क्या हाथी के दांत की तरह विचार भी दिखाने के अलग होते हैं और निभाने के अलग? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति तिवारी जी की लिखी कहानी, स्वयं से किया गया वादा।